आसमान में बादल, हल्का कोहरा और पर्यटकों की धूम, यही नजारा है पर्यटकों की खास डेस्टिनेशन बने सूर्य नगरी यानी जोधपुर का। तो आपको लिए चलते हैं जोधपुर शहर और दिखाते कि किस तरीके से बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक जोधपुर में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी के सीजन शुरू होते ही कहीं ना कहीं पर्यटकों की बाढ़ सी आने लगी है। अभी हम जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में हैं। यहाँ पे हमारे साथ शक्ति सिंह जी है। शक्ति सिंह जी, जिस तरीके से पर्यटक बढ़ रहे हैं, पहले भी पर्यटकों की काफी तादाद रही है, अब और भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से जो है इस पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और क्या इसे मानते हैं? पर्यटकों की जो सीजन है वो हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू होती है। इस बार थोड़ी लेट शुरू ही, मिड अक्टूबर में टूरिस्ट शुरू हुए। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आ रहे हैं वो है डोमेस्टिक यानी देसी पर्यटक। आप अगर देखें ये हमारे पीछे जो भीड़ है उसमें सबसे ज़्यादा ये देसी पर्यटक ही मिलेंगे, क्योंकि गोरों में तो अगर आप देखें यूरोप में और दूसरी जगह पर तो वहाँ मंदी है। टूरिस्ट से भी हमने बात करी है और दूसरा उसमें यंग जितने भी पर्यटक हैं उनके पास पैसे नहीं है और जो सीनियर सिटीजन थे कोविड काल में वो सारे के सारे सलट गए, तो इसकी वजह से फॉरनर्स कम हैं। और डोमेस्टिक टूरिस्ट में जोधपुर में आने का कारण रीज़न ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है उन लोगों की शादियां उमेद भवन पैलेस में हो रही है, इस वजह से भी जोधपुर का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आप देख रहे हैं दिवाली के आसपास तो ये मेहरानगढ़ छोटा पड़ रहा था, इतने टूरिस्ट थे हद से ज़्यादा। तो हमारे पास जो गाइड है वो करीब 250 गाइड के आसपास है और उसमें आप देखें तो वो भी कम पड़ रहे थे, लेकिन ये सीजन जो है चंद महीनों की है। अगर आप देखें तो फरवरी तक ये सीजन है, उसके बाद में फिर वापस कोए उड़ेंगे। अच्छा, एक बात करें अगर डोमेस्टिक पर्यटकों की और विदेशी पर्यटकों की, तो अगर आकलन अगर खर्चे की करें तो क्या डोमेस्टिक उतना ही कर पा रहे हैं जितना कि फॉरेन कर पा रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि पहले हम गोरों के ऊपर डिपेंड थे कि सबसे ज़्यादा गोरे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अब जो है हमारी मानसिकता बिल्कुल बदल गई है। इंडियन पर्यटक इतने पैसे हैं उनके पास में कि गोरों को पीछे छोड़ रहे हैं, यानी टैक्सी वाले, टूरिस्ट गाइड, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, दुकान वाले, ये सारे के सारे जो है वो आप अगर देखें तो सब के सब देसी पर्यटकों के ऊपर निर्भर है और देसी पर्यटक गोरों से भी अच्छा। सर्दियों के सीजन के साथ ही पर्यटकों की अब जो अपार भीड़ समूह पड़ने लगा है, हमारे साथ कुछ पर्यटक है। मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जयपुर से आए हैं। किस तरह का लगा आपको जोधपुर? कैसा? जोधपुर बहुत ब्यूटीफुल सिटी है और राजस्थान की सेकेंड नंबर की सिटी है एंड लिटरली ये प्रूव्ड है, बहुत ही सुंदर लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं एंड टेस्ट वाइज बेस्ट है। अच्छा, आप भी यहाँ घूम के आए हैं, क्या क्या देखा आपने, क्या नाम है?
हम अभी पहले अब आए हैं और अभी सुबह उठे मेहरानगढ़ आए, पहले मेहरानगढ़ देखेंगे, फिर जसवंत हड्डा जाएंगे, उम्मेद पैलेस जाएंगे, बस देखते हैं उसके बाद शॉपिंग करने जाएंगे। अच्छा, कैसा लगा आपको जोधपुर? यहाँ की भाषा जोधपुर मीठी, जो मारवाड़ी तो वैसी बहुत मीठी होती है, सबसे अच्छी भाषा। चलिए आप बताइए आप कहाँ से? मैं किशनगढ़ से आई हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में, और अभी हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे विजिट किया है, फोर्ट देखने आए हैं। बाहर से बहुत ब्यूटीफुल है फोर्ट, अंदर जाके देखते हैं अभी। बच्चे अच्छा, भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने अच्छा, के लिए। कितने दिनों से आप जो है घूमने? एक्चुअली हम लोग जैसलमेर गए थे और आज हम लोग जोधपुर घूम रहे हैं। अच्छा, जोधपुर में आपने क्या क्या देख लिया आप तक? अभी तक बस फर्स्ट हमारा विजिट यही है, फर्स्ट फोर्ट देखेंगे। बहरहाल पर्यटक सीजन के शुरू में सन सिटी टूरिस्ट सिटी बन चुका है, और जब सर्दियों की छुट्टियां शुरू होगी तो उम्मीद है कि नए साल के जश्न मनाने के लिए और अधिक पर्यटक जोधपुर के किलों को निहारने आएंगे। देखिए, राजस्थान एक ऐसा खूबसूरत शहर है, और इस राजस्थान के जो जहाज कहलाता है ऊंट, उसके ऊपर अभी हम बैठे हैं, और ऊंट इसलिए फेमस है क्योंकि राजस्थान का जहाज कहलाता है। जिस तरह राजस्थान में पर्यटकों की सीजन बढ़ी है, पर्यटकों की जो बढ़ रहे हैं, अभी मेहरानगढ़ में यही हालात है। मेहरानगढ़ में भी अभी अपार जो है देसी पर्यटकों की बाहर सी आ गई है। जिस तरीके से कोविड के बाद पर्यटकों की कमी देखने को खली थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो पर्यटक बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार पर्यटकों के बढ़ने के साथ ही लोगों का जो रोजगार था वो पुनः बढ़ने लगा है, क्योंकि पर्यटकों की देसी पर्यटकों की बाहर सी आई हुई है। और मेहरानगढ़ में अभी हाल ही में देसी विदेशी पर्यटकों की बाढ़ सी देखने को मिली है। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ जितेंद्र डूडी, सच बेदड़क, जोधपुर।